आपको प्यार की असली परिभाषा पता है? Do you know the real definition of love? प्रेम की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है बिना कोई अंत के हमेशा क्षमा करने की क्षमता रखना, the capacity to forgive endlessly. जैसे कि एक माता पिता जो है तो उनका प्यार ये है कि वो अपने बच्चों को हमेशा माफ कर देते हैं चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, और अगर वो माफ नहीं कर पाते मतलब वो प्यार नहीं करते. माफ करने का ये मतलब नहीं है कि उस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास ही ना हो, कोई उसे सजा ही ना मिले, नहीं. लेकिन अगर कोई सच्चे मन से पछतावा कर रहा है तो हमें ऐसे इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए. भगवद गीता की शिक्षा के अनुसार आंतरिक शांति मतलब अपने आप को बदलना. जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उन लोगों के जीवन की शांति को भंग करने से अपने आप को कभी शांति नहीं मिलती, बल्कि हमें शांति तभी मिलेगी जब हम अपने भीतर के स्वभाव और विचार धारणा को बदलेंगे. किसी ने खूब कहा है कि अगर हम माफ नहीं कर पाते तो हम उस पुल को, उस ब्रिज को तोड़ देते हैं जिस पर चलकर हम भगवान तक पहुंचते हैं, और जिसको क्रॉस करने से भगवान हमें माफ करते हैं उन छोटी छोटी गलतियों के लिए जो हमने की हैं. आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों में आपसी मनमुटाव बढ़ते ही जा रहा है. ऐसी स्थिति में क्षमा करने की शक्ति ना होना, माफ करने में कमजोर होने की वजह से दुख, दर्द और उथल पुथल जैसी परिस्थिति पैदा हो जाती है. हम ऐसी दुनिया में आज रह रहे हैं जहां पीढ़ियों के बाद मुकदमा चला ही जा रहा है. दादा परदादा के जमाने से झगड़े चलते ही जा रहे हैं, नई नई पीढ़ियां आपस में उलझ रही है. 100 साल पहले जो पूर्वजों ने गलती की है उसे हम 100 साल बाद भी माफ नहीं कर पाए. नफरत बरकरार रहती है और प्रतिशोध की अग्नि में हम तो भस्म हो जाते हैं, साथ में हमारा पूरा परिवार भस्म हो जाता है. वाह, क्या दुनिया है ये. अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम समस्या का हिस्सा है. अंग्रेजी भाषा के एक कवि है विलियम ब्लेक, उन्होंने कहा है कि एक दोस्त को माफ करने की तुलना में एक दुश्मन को माफ करना ज्यादा आसान है. इसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन यही सच है. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितना संबंध करीब का हो, जितनी उसमें घनिष्ठता हो, उतने ही एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बढ़ते ही रहते हैं. और उसमें ऐसी उम्मीदें होती है कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं सोचता हूं. अगर आप किसी के ऊपर विश्वास और स्नेह रखते हैं तो उस व्यक्ति के पास आपको दुख पहुंचाने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है. लेकिन यदि हम अपने अंदर क्षमा शक्ति यानी माफ करने की शक्ति को बढ़ाएं तो ही संबंध टिक पाएंगे, वरना तो क्रोध और अहंकार का राक्षस एक ही क्षण में सब कुछ तहस नहस कर देगा. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है कि क्षमा के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाएगा. अब ये क्षमा करने की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, तो रामायण में भी हमने देखा है कि प्रभु श्री राम ये कहते हैं कि अगर रावण मेरे से क्षमा मांग ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा. अब हम सब ये सोचेंगे कि ये तो राम जी है, वो तो साक्षात भगवान है, उनके अंदर तो क्षमा शक्ति भी दूसरी सारी शक्तियों की तरह पूर्ण रूप में होंगी. लेकिन हम तो साधारण मनुष्य हैं. तो इसका उत्तर बहुत सरल है. जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान हमसे कनेक्ट हो जाते हैं, हमसे जुड़ जाते हैं. यदि हम भगवान का संग करें तो उनके नाम जप के द्वारा तो हमारे अंदर भी क्षमा, दया, आनंद जैसे सद्गुण बढ़ने लगते हैं. देखिए, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए. नहीं, जरूर मिलनी चाहिए. लेकिन अगर हम हमारे हृदय में ईर्ष्या और घृणा की भावना पालते रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे.
तो जो हुआ सो हुआ, बीते कल को भूल जाइए और अपने आज पर फोकस करिए। जीवन के लक्ष्य को समझकर उसकी ओर आगे बढ़िए। छोटी छोटी बातों से अपना मन विचलित ना होने दे। देखिए, ये सब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन एक बार, बस एक बार कोशिश करके तो देखिए। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।